दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ। एक तूफानी रात में दो लड़के एक घर में हेल्प के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो अनएक्सपेक्टेड थी। वे लड़के उस घर की ओनर से भी ज्यादा खतरनाक थे और ओनर उन लड़कों से ज्यादा खतरनाक थी। अब देखना यह है कि वहाँ क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता। मूवी का नाम है लिटिल बोन लेज, सो प्लीज एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। वो एक रूम को अच्छे से लॉक लगा रही थी। उसके साथ उसके घर में उसकी बेटी मैसी और उसका हस्बैंड रहता था। आज उसके हस्बैंड का बर्थडे था। कुछ साल पहले उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, इसी कारण वो चल फिर नहीं सकता था और उसे समय समय पर दवाई भी देनी पड़ती थी। रोज अपनी फैमिली को लेकर बहुत केयरी थी। जब वे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे तभी कोई उनका जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। रोज देखती है बाहर कोई घबराया हुआ लड़का खड़ा था और वो अपने पार्टनर के लिए हेल्प मांग रहा था। उसे देखकर रोज डर जाती है और उसे कहती है कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन मैटी नाम का वो लड़का गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि अगर आपने हेल्प नहीं की तो मेरा दोस्त मर जाएगा। तभी रोज उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और दरवाजा खोलकर उनको अंदर बुलाती है। फिर रोज जैक नाम के लड़के को चेक करती है और देखती है कि उसे कहां कहां पर चोट लगी है। जैक के पेट में सरिया घुस जाने के कारण बहुत ज्यादा खून बह रहा था। फिर वो कहती है कि मुझे टांके लगाने होंगे वरना ये मर जाएगा। फिर वो अपनी बेटी की हेल्प से उसके पेट में से रोड निकालती है और उसके घाव को सील देती है। वो अपने काम को इतना परफेक्टली करती है जैसे ये उसका रूटीन का काम हो। ये सब देखकर मैटी बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर रोज उसको हौसला देती है और कहती है तुम जाकर अपना हुलिया सुधार लो। फिर मैटी बाथरूम में जाकर अपना हुलिया सुधारता है और कहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ। फिर जब मैटी उन लोगों के पास जाता है तो रोज पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैटी कहता है बारिश बहुत तेज थी, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, गाड़ी सड़क से नीचे उतरी और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं अपने साथी को लेकर हेल्प के लिए चलता रहा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर रोज पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम्हें जाना कहाँ है। मैटी कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। इतने में वहाँ पर जैक आ जाता है। अब वो पहले से ठीक था। वो हेल्प करने के लिए रोज को धन्यवाद कहता है। वो रोज को पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। रोज उसे ट्रामाडोल देती है। फिर जैक अपना फोन चेक करता है, उसमें नेटवर्क नहीं थे। फिर वो रोज से टेलीफोन के बारे में पूछता है। वो बताती है हमारे पास ना ही टेलीफोन है और ना ही कंप्यूटर, हमें कभी इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी। पास के गांव के पास एक फोन बूथ है, शायद वो चलता हो। फिर जैक कहता है कि हमें एक जरूरी कॉल करनी है, लेकिन रोज मना कर देती है क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा था। फिर जैक और मैटी एक रूम में चले जाते हैं। जैक अपना बैग खोल कर देखता है, उसमें कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर वो मैटी से पूछता है दूसरा बैग कहाँ है जिसके अंदर पैसे थे। मैटी कहता है शायद घबराहट में मैंने गलत बैग उठा लिया। फिर वे वापस किसी तरह से कार के पास जाने की योजना बनाते हैं। मैसी और रोज अपने रूम में थी तभी उन्हें मैटी के चिल्लाने की आवाज आती है। वे जाकर पूछते हैं इसे क्या हुआ। जैक कहता है कि इसकी डायरी कार में रह गई है और जब तक वो इसे नहीं मिल जाती ये ऐसे ही रोता भी लगता रहेगा। लेकिन रोज कहती है बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर रोज मैटी को प्यार से बहलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए डायरी लेकर आऊंगी, लेकिन तुम्हें एक अच्छे बच्चे की तरह शांत होना होगा। फिर वो मैटी को वहां से ले जाती है। जैक गिरी हुई तस्वीर उठाता है। मैसी बताती है कि ये मेरा छोटा भाई ओली है जो कि एक एक्सीडेंट में मारा गया था। थोड़ी देर में जैक मैटी को सोने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे उठने से पहले ही नोटों वाला बैग लेकर आ जाऊंगा। मैटी बताता है कि मुझे मैसी अच्छी लगने लगी है। जैक कहता है वे अच्छे लोग हैं। फिर जैसे ही जैक बाहर आता है रोज उस कमरे के दरवाजे को लॉक कर देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती वो पीछे से मेरी बेटी को तंग करे। फिर वो अपनी बेटी को चाबी देती है और कहती है कि जब तक हम वापस ना आ जाएं तुम इस दरवाजे को नहीं खोलोगी। फिर वे दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। तूफान और तेज बारिश अब भी जारी थी। रास्ते में जैक रोज से पूछता है कि मुझे लगता है तुम पहले नर्स थी, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो पूछता है तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट कैसे हुआ। इस पर रोज कहती है कि पुलिस ने उसे नो फॉल्ट एक्सीडेंट का नाम दिया था, लेकिन हमेशा किसी न किसी की गलती होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैसी मैटी की तरफ अट्रैक्ट थी। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन मैटी उसे भाव नहीं देता। फिर वो दरवाजा खोल कर रूम के अंदर चली जाती है। उधर रोज और जैक उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एक्सीडेंट हुआ था। रोज कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम इस हालत में भी इतनी दूर तक चले गए। फिर जैक कार के अंदर से अपना बैग निकालता है। रोज देख लेती है कि कार के अंदर एक डेड बॉडी है। दूसरी तरफ मैसी मैटी को अपना घर दिखा रही थी। मैटी को घर बहुत पसंद आता है।
वो बताता है कि मैंने अपना ज्यादा समय हॉस्टल में बिताया है, इसलिए मैं ऐसे ही घर में रहना चाहता था। फिर मैसी कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। दूसरी तरफ जैक अपने बैग में से गन निकालता है और रोज को कहता है कि मुझे फोन बूथ तक लेकर चलो वरना ठोक दूंगा। फिर वो जैक को फोन बूथ तक लेकर जाती है। जैक कहता है होशियारी मत करना, तुम जानती नहीं मैंने कितने भयानक काम किए हैं। रोज कहती है कि तुम भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। फिर वो कार को ऑफ करके वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ मैसी मैटी को अपने रूम में लेकर जाती है और उसके साथ बातें करने लगती है। इस दौरान वो अपना रेडियो ऑन कर देती है और मैटी को अपनी मैप बुक दिखाने लगती है। उधर जैक मैटी के बाप के पास फोन करता है और बताता है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो उसे अपनी लोकेशन बताकर वहाँ आने के लिए कहता है। उस समय रोज कार में पड़े टूल बॉक्स में से कोई टूल निकालने की कोशिश कर रही थी ताकि उनसे जैक पर हमला कर सके, लेकिन जैक आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर हमें खरोच भी आई तो मेरा बॉस तुम सबको मार डालेगा। रोज कहती है देखते हैं कौन किसको मारता है। उधर मैसी और मैटी दोनों गप्पे लड़ा रहे थे तभी रेडियो पर न्यूज सुनाई देती है। कुछ हथियारबंद लोगों ने कल रात एक डकैती को अंजाम दिया। ये न्यूज सुनकर मैटी घबरा जाता है और रेडियो को तोड़ देता है। उसे देखकर मैसी कहती है कि तुम्हें वापस रूम में जाना होगा, अगर मेरी माँ आ गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कुछ ही देर में जैक और रोज घर पहुंच जाते हैं। घर आकर जैक मैसी को कहता है कि मैटी को बाहर निकालो। फिर वो मैटी को कहता है कि तुम्हारे पापा हमें लेने आ रहे हैं। फिर वो उन सबको एक रूम में लेकर जाता है और कहता है कि सब लोग चुपचाप यहाँ पर बैठो, बस आज रात की बात है, कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। रोज कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड को दवा देनी है। फिर जैक मैटी को रोज के साथ भेजता है। वहाँ रोज उसे भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारा भाई तुमसे बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जैक रोज को कहता है कि जाकर उस पुलिस वाले को संभालो वरना मैं मैसी को ठोक दूंगा। फिर रोज जाकर दरवाजा खोलती है। पुलिस वाला अंदर आने के लिए पूछता है। पुलिस वाला कहता है कल रात डकैती हुई है, सूत्रों से पता चला है कि लुटेरे इसी साइड आए हैं, क्या मैं अंदर आकर चेक कर सकता हूँ। जब पुलिस वाला रोज के हस्बैंड को देखता है तो पूछता है क्या इस घर में आप दोनों ही रहते हैं। रोज कहती है हाँ हमारा एक बेटा था वो इस दुनिया से जा चुका है। फिर पुलिस वाला उसे एक कप कॉफी लाने के लिए कहता है। जब उसकी नजर दीवार पर लगी फोटो पर पड़ती है तो वो उस फोटो को निकालकर जेब में डाल लेता है। तभी रोज का हस्बैंड पुलिस वाले को कुछ बताने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पर रोज आ जाती है और कहती है कि इनका दवाई का समय हो गया है। फिर वो पुलिस वाले को बाहर छोड़ने के लिए जाती है। पुलिस वाला पूछता है तुम्हारे बेटे का क्या नाम था। रोज कहती है ओली। फिर वो रोज को वो फोटो दिखाकर पूछता है तो ये कौन है। ये फैमिली कुछ साल पहले गायब हो गई थी। इस आदमी की पत्नी का नाम बेला था जो कि तुम तो बिल्कुल नहीं हो। इतने में उसका हस्बैंड बाहर आ जाता है और वो उसे देखकर भागकर अंदर जाती है। इतने में वहाँ पर जैक आता है और पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। इस दौरान मैसी भी मैटी को बेहोश कर देती है। उधर पुलिस वाला जैक के ऊपर भारी पड़ जाता है, वो उसको गला दबाकर बेहोश कर देता है। इतने में वहाँ पर रोज आ जाती है और उस पुलिस वाले को ठोक देती है। फिर वो अपने हस्बैंड को बेहोशी का इंजेक्शन देती है। मैसी पूछती है आपने पुलिस वाले को क्यों मारा। रोज कहती है वो तुमको मुझसे छीनने वाला था। फिर वो जैक और मैटी को बेसमेंट में ले जाकर बांध देती है और बाहर आकर वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी वरना यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाएंगे और हालात बेकाबू हो जाएंगे। फिर वे बॉडी को कार में रखकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में बेसमेंट में जैक को होश आ जाता है, वो मैटी को जगाता है। फिर वो आसपास कोई ऐसी चीज ढूंढता है जिससे अपने हाथ की हथकड़ी खोल सके। उधर रोज बॉडी को एक्सीडेंट वाली जगह पर ले जाती है और इस तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश करती है जैसे लुटेरे और पुलिस दोनों में फायरिंग हुई है। उधर बेसमेंट में जैक एक टूल उठा लेता है और उसके जरिए अपनी हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करता है। उधर मैसी अपनी मॉम से पूछती है कि पुलिस वाले आपको मुझसे दूर क्यों करेंगे। रोज कहती है दुनिया बड़ी ही क्रूर है। बेसमेंट में मैटी जैक को अपनी पॉकेट में से नाइफ निकाल कर देता है। फिर उसकी हेल्प से जैक दीवार में से पूरे बोर्ड को ही उखाड़ देता है जिसके ऊपर हथकड़ी बंधी थी। फिर वो वहाँ पर पड़े टूल्स में से एक कटर उठाता है और अपनी हथकड़ी को काट लेता है। उसके बाद वे बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर लॉक लगा हुआ था। फिर वे कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं, उन्हें एक और रास्ता दिख जाता है और उसके जरिए वे वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर आकर वे देखते हैं कि वहाँ उस औरत की और पुलिस वाले की कोई भी कार नहीं खड़ी। फिर जैक मैटी को कहता है कि तुम जाकर छिप जाओ, मैं उस विंडो के रास्ते अंदर जाऊंगा और अपने नोटों वाला बैग लेकर बाहर आ जाऊंगा। लेकिन मैटी बाहर अकेला रहने से डर रहा था। वो कहता है तुम भी मेरी माँ की तरह मुझे अकेला छोड़ दोगे। जैक गुस्से में था इसलिए वो उसे बता देता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें झूठ कहा था, तुम्हारी माँ मरी नहीं थी, वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी क्योंकि तुम शुरू से ही कम अक्ल थे। ये बात सुनकर वो टूट
जाता है और रोने लगता है। फिर जैक उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बस तुम थोड़ी देर के लिए छिप जाओ। फिर वो बेल को पकड़कर ऊपर वाले रूम की विंडो तक पहुंच जाता है और वहां से उस रूम के अंदर एंटर कर जाता है। उस रूम में मेडिकल लाइन की अजीब अजीब सी चीजें पड़ी थी। उस रूम के अंदर एक और रूम था। जब जैक वहां जाता है तो देखता है कि वहां एक लेडी बंधी हुई है। जब जैक उसे नजदीक से जाकर देखता है तो पाता है कि वो औरत नरक भोग रही थी। उसकी ये हालत देखकर जैक का दिल दहल जाता है। वहां बहुत सारी स्क्रीन भी लगी हुई थी जिनके ऊपर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। वहां दीवार पर न्यूज़पेपर्स की कटिंग भी लगी हुई थी। जैक उनको देखकर समझ जाता है कि रोज की कार का एक्सीडेंट इनकी कार के साथ हुआ था। मैसी और वो अपाहिज रोज के नहीं बल्कि इस औरत की फैमिली थे। रोज ने अपने बेटे और अपने हस्बैंड को खो दिया था, इसलिए वो उन दोनों मियां बीबी को सजा दे रही थी और उसकी बेटी को अपने बेटे की जगह पाल रही थी। फिर वो औरत जिसका नाम बेला था पुलिस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन जैक पुलिस को नहीं बुला सकता था क्योंकि वो खुद एक अपराधी था। लेकिन जैक कहता है कि मैं आपको बचा लूंगा। बेला इतने दर्द में थी कि वो जैक को कहती है कि तुम मुझे हमेशा के लिए दर्द से आजाद कर दो। फिर जैक ना चाहते हुए भी उसको गहरी नींद में सुला देता है। फिर जैक इमोशनल होकर रोने लगता है और बेला के गले में से उसका लॉकेट और दीवार पर लगी उसकी फैमिली की तस्वीर उतार लेता है। इतने में रोज और मैसी घर आ जाते हैं। रोज एक भेड़ को देखती है और समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो चेक करने के लिए जाती है कि वहाँ कौन छुपा है। वो बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ देखती है और समझ जाती है कि वे दोनों लफंगे वहाँ से भाग गए हैं। उधर जैक को बाहर आने का रास्ता मिल जाता है। उधर रोज मैटी को छिपा हुआ देखती है। वो रोता हुआ रोज को कहता है कि मुझे कोई नहीं चाहता, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर रोज कहती है, रो मत बेटा, तुम मुझे ही अपनी माँ समझो, तुम मुझे मेरे बेटे की याद दिलाते हो, आज से तुम ही मेरे बेटे हो। उधर जैक घर के अंदर पहुंच जाता है और अपने नोटों से भरा हुआ बैग उठा लेता है, लेकिन उससे चला नहीं जाता क्योंकि उसका घाव पहले से ज्यादा खराब हो चुका था और उसे काफी दर्द भी हो रहा था क्योंकि उसके टांके खुल चुके थे। इतने में वो देखता है कि मैसी दरवाजा खोलकर अंदर आ चुकी थी। फिर जैक उसे पकड़ लेता है। बाहर से रोज लाइट ऑफ कर देती है। जैक मैसी को उसके बाप के कमरे में ले जाता है और कहता है कि तुम्हारा नाम जेनी है। फिर वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। मैसी को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। फिर वो उसको लॉकेट और उसकी फैमिली की तस्वीर देता है। मैसी को अपनी माँ का चेहरा कुछ कुछ याद था, इसलिए वो रोने लगती है। फिर जैक उसे कहता है कि अगर इस नर्क से निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना तुम्हें जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैसी मान जाती है और अपने फादर को लेकर जैक के साथ जाने लगती है। फिर जैक मैटी को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। फिर वो वापस घर के अंदर जाकर मैटी को ढूंढता है। मैटी कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। इतने में रोज आकर जैक पर गोली चला देती है। गोली जैक को छूकर निकल जाती है। रोज कहती है, तुम भी यहाँ पर मेरा बेटा बनकर रह सकते हो, मेरा दिल बहुत बड़ा है। फिर जैक छिपकर रोज के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन मैटी उसे ऐसा करने नहीं देता। उसके अंदर का मर्द जाग जाता है और वो जैक को पीट देता है। मैटी का फादर भी इस घर की तरफ ही आ रहा था। उधर मैसी जैक को सहारा देकर घर से बाहर निकाल कर ले जाती है। रोज उसका पीछा करती है। मैसी और जैक छिप जाते हैं। इतने में वहां पर मैटी का बाप आ जाता है। उसके साथ में मैटी का भाई भी था। वो आवाज लगाता है कि यहाँ जो जो भी है सब मेरे सामने आ जाए। फिर जैक भागकर उसके पास चला जाता है। वो पूछता है, मेरा बेटा और नोटों वाला बैग दोनों कहाँ है। जैक कहता है कि दोनों ही उस औरत के पास है। वो कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक औरत ने तुम्हारी ये हालत कर दी। फिर वो मैटी को जोर से आवाज लगाता है। मैटी अपने पापा के पास जाना चाहता था, लेकिन रोज उसे जाने नहीं देती। वो कहती है, अपने पैसे और अपने बकवास आदमी को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैटी तो अब मेरे ही पास रहेगा। इस दौरान वो एक गोली जैक को मार देता है और कहता है कि मेरे बेटे और पैसों दोनों को ही यहाँ से लेकर जाऊंगा। इतने में जैक उसके पाँव में चाकू मार देता है और मौका पाकर रोज उसका भेजा उड़ा देती है। तभी वहाँ मैटी का भाई आ जाता है। वो रोज को ठोकने ही वाला था कि मैसी उसे कार से उड़ा देती है और वहाँ से अपने पिता को लेकर चली जाती है। कहीं ना कहीं वो अभी भी रोज को अपनी माँ समझती थी क्योंकि रोज ने उसको प्यार ही इतना किया था। एंड में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाली आकर मैसी को कहती है, तुम्हारे पापा अब बिल्कुल ठीक हैं। अगर तुम्हें रोज के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बता दो, लेकिन वो चुप रहती है। उधर घर में रोज मैटी को अपने बेटे की तरह प्यार कर रही थी और सीसीटीवी की तरफ देखकर जैक को दिखा रही थी कि हम लोग कितना खुश हैं। अब उसने बेला की जगह पर जैक को बांध कर रखा हुआ था। अपनी फैमिली बर्बाद करने के जुर्म में अब वो जैक को सजा दे रही थी। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी को देखकर आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं प्लीज उन्हें कमेंट में लिखें और बताएं कि आपको इस मूवी में किसका करेक्टर अच्छा लगा और किसका करेक्टर बुरा। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। मिलता हूँ नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।